राम राम, हर हर महादेव। आप सभी दोस्तों को सुबह का नमस्कार। आज का प्यारा सब लोग, और सुबह के लगभग 6 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है, और इस प्यारे से मौसम में आप देख रहे होंगे कितना सुहाना मौसम किया हुआ है। आज पंजाब में बादल छाए हुए हैं, और अंदाज़ा है कि आज अगर बारिश हो जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाए, क्योंकि ये जहाँ हम हैं वहाँ पर पहली बारिश होगी। लेकिन अभी अंधेरा छाया हुआ है, अभी आगे देखते हैं बारिश होता है या नहीं होता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उमस बहुत ज़्यादा थी, तो बारिश का भी इंतज़ार है कि बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। और आगे ब्लॉग में हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे तो जो हमारे वीडियो का जो इंगेजमेंट है वो आगे बढ़ेगा थोड़ा सा। तो वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, और हमारे प्यारे से ब्लॉग में बने रहिएगा अंत तक। आज लुधियाने में जहां हम हैं पहला बारिश हो रहा है, और बारिश बहुत मूसलाधार हो रहा है, और सुबह के लगभग 7 बज गए हैं, और ये बारिश इतना अच्छा हो रहा है कि बारिश का आनंद आ रहा है। और इस बारिश में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उमस बहुत ज़्यादा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद भी आ रहा है जो मौसम ठंडा हुआ है। हाँ, बेशक हमारे घर पे थोड़ा सा हमारा अपना खुद का नुकसान हुआ है। घर में कल 10 किलो आम का अचार बनाने की तैयारी हुआ था, वो लेकर काटा हुआ है और सुखाया हुआ है, जो हो सक देखिए अब सही होता है या नहीं होता है, लेकिन बारिश का जो आनंद है और ये जो ठंडक आ रही है बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश ये आलू दियाने में पहली बार हो रहा है जहाँ हम हैं, कितना अच्छा बारिश हो रहा है देख सकते हैं, कितना बारिश का स्लोपिंग है यहाँ पर। तो दोस्तों, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग, और ये थे, और ये देखिए पूरा बारिश हो गया था। मम्मी से कुछ बोलिए। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो देखिए, हम आम ले लिए हैं, और हमारा हो चुका है बारिश, आम के उड़ गया है धजिया। कैसे अचार बनेगा कुछ समझ नहीं आ रहा, आम अच्छे तरीक़े से सूखा नहीं है, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है सुबह से। और कल हम आम लिए थे, हम सोचे आज धूप लगा लेंगे, उसके बाद मसाला डालेंगे इसमें। आम है पक्का पक्का जैसा, ये ऐसे लग रहा, और पक्के जा रहा, पूरा पीला पीला हो जा रहा, पर वो दे पर आज इसमें हम मसाला डाल ही देंगे, क्योंकि आज धूप निकलने वाला है नहीं, मौसम पूरा ख़राब है। आम भी ले लिए हैं हम 8 किलो, अगली बार तो हम लगाए थे 2.5 किलो के। देखिए मैं धनिया भूज रही हूँ, मसाला सरसों मैं धनिया को गरम कर रही हूँ, उसके बाद सरसों करेंगे, उसके बाद मसाला को किसी तरह डालना है, मन का थोड़ा दिक्कत हो कोई बात नहीं, जैसा होगा देखा जाएगा, मसाला तो डालेंगे ये जैसे हमको मसाला डालेंगे, तो आप लोग बस दिखा देंगे, क्योंकि आम लिए थे इसलिए नहीं दिखा पाए कि आम हम लिए नहीं, कोई और से खरीदवाए थे आम कहीं, और
इसलिए हम आम नहीं दिखा पाए, मसाला डालते हुए बस दिखा दे रहे थोड़ा सा। ये सरसों के ये देखिए हम हल्दी अभी डाल दे रहे हैं, हमारे पास लाइट है नहीं है, ये पूरा मसाला पीस के डाल है। अभी हम हल्दी नमक डाल दे रहे हैं, जब लाइट आएगा तो हम मसाला पीस के डालेंगे। अभी हल्दी डाल दे रहे हैं क्योंकि आम से डर लग रहा है। हल्दी नमक मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, इसमें अभी सिरका भी डाल दे रही हूँ। जब लाइट आएगा मसाला पीसेंगे तो फिर सब मसाला डालेंगे। हो गया, देखिए मसाला पीसे हैं सिलबट्टा को, लाइट तो आया नहीं है, लास्ट में हमको पीसना पड़ा हाथ ही से। सरसों है, धनिया है, जीरा भी है, मिर्ची है, मोटा ही है, सौंफ है, मेथी है, काली मिर्च इसमें मिक्स है, थोड़ा सा और नमक डाल देती हूँ, तेल डाल दें, तेल अभी थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। मसाला दुआ सूखा नहीं, अच्छा से मसाला डाल दी हूँ, देखिए क्या होता है।